दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे के किचन में। रेनू की तरफ से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी। रबड़ी तो हर एक की बहुत ही पसंद होती है और ये इसको बड़े बूढ़े बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं और इसको हम घर पे बहुत ही आसानी से हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें हमने 1 लीटर दूध ऐड किया है, वो भी फुल क्रीम। और इसके बाद हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम चला देते हैं ताकि जो दूध है तली में लगे नहीं, और इसका उबाल आने का हम वेट करते हैं। दूध में अब उबाल आ चुका है तो अब इसको हम चला देते हैं। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसके बाद हम इसको पकाते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, इसे चलाते हुए, ताकि ये जल्द से जल्द पक सके। अगर आप और जल्द बनाना चाहते हैं तो आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाइए, बशर्ते इसको रेगुलर आप चलाते रहिए। और जो ये किनारों पे जो मलाई लग जाती है, आप इसको चलाते हुए बिल्कुल छुड़ा लीजिए और इसी में मिक्स कर दीजिए दूध में। और इस तरीके से ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी अब गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो अब जो है हम इसमें चीनी मिला देते हैं करीब 2.5 चम्मच, क्योंकि जो रबड़ी होती है उसमें वो लाइट मिठास ही अच्छी लगती है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हमने 1/2 चम्मच हरी वाली इलायची पाउडर डाल दिया है, ताकि इससे स्वाद जो है और भी ज़बरदस्त हो जाता है रबड़ी का और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। और ये देखिए, दूध बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है। तो इस वक्त पे और जल्दी ये गाढ़ा हो जाए, इसके लिए हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है हमने वो दरदरा पीस लिया है, इसको हम इसमें मिला देंगे। इसमें हमने मिलाया है बादाम, उसके बाद काजू और थोड़ा सा पिस्ताची यानी कि पिस्ता बादाम इसमें मिला दिया है हमने। और अब इसको हम चलाते रहेंगे, रेगुलर चला के बनाएंगे और इस तरह से मिलाते रहेंगे ताकि ये तली में लगे नहीं। और ये देखिए, अभी ये इस तरीके से हुआ है इसका। तो अभी इसी वक्त हम गैस का फ्लेम ऑफ कर दिए हैं और इसको ठंडा होने का वेट करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए, तो ठंडा होने के बाद ये देखिए कितनी अच्छी सी ये रबड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको अलग बाउल में पलट लेते हैं। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये रबड़ी। अगर आप इसको रबड़ी को बना के आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, कोई गेस्ट आए या फिर खाने के बाद स्वीट डिश की ज़रूरत हो तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है ये रबड़ी, बिल्कुल जितनी होनी चाहिए बिल्कुल उतना ही ये गाढ़ी है। इसके बाद से हमने कुछ ये पिस्ताचियो लिया है, इसको हमने चॉप कर लिया, इससे हम डेकोरेट कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो हमारा वीडियो, तो प्लीज़ आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब हम नई नई रेसिपी लाएँ तो आपको उसका जो है नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आशा है आप हमारे इस वीडियो से ज़रूर लाभ उठाएंगे। और ये हमारी रेसिपी कैसी बनी आप हमें मैसेज करके अवश्य बताइएगा। तो और अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके बारे में भी अवश्य बताइएगा। आपने हमारा वीडियो इतना ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।